हाय, मैं रश्मि देवर्षी। रश्मि फूड ट्विस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए मलाई कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। वो भी हम बहुत कम तेल में बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में 2 टीस्पून ऑयल ले लें। यहाँ मैंने पैन गरम कर लिया है, इसमें 2 टीस्पून ऑयल ले लें। जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए, इसमें हम थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जीरा डालेंगे। थोड़ा सा इसको भूनने दें जीरे को। इसके बाद इसमें थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे, 1 तेज पत्ता, बहुत छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, इलायची छोटी 2, जो थोड़ा सा इसको इसके फोड़ कर उसके दाने निकाल लें। छिलके से इतनी डाल लें। जावित्री 1 छोटा टुकड़ा, 8 से 10 काली मिर्च, 4 लौंग और बड़ी इलायची 1/4। जैसे ये भुन जाए थोड़ा सा, इसमें हमें प्याज डालना है। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक पहले डाल दें जिससे प्याज अच्छे से गल जाए। ये प्याज थोड़ी सी ब्राउन होने लग गई है, इसी में हम ये 2 साबुत लाल मिर्च लाल डाल दें और 4 से 5 काजू, और इनको भी इसी के प्याज के साथ में भून लें। जब तक भूने तब तक प्याज का कच्चापन दूर ना हो जाए। प्याज और काजू दोनों भुन गए अच्छी तरह से। अब यहाँ मैंने 3 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, जिनके मैंने छिलके हटा के इसको काट लिए थे, जिससे कि हमारे थोड़ा काम इजी हो जाए। और 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा। अब इसको अच्छी तरह से टमाटर को भी पकने दें। टमाटर का भी हमें कच्चापन दूर करना है। टमाटर पक रहे हैं अभी। जैसे ही टमाटर पक जाए, अब इसमें हम मसाला डालेंगे। अभी हमने प्याज के हिस्से का नमक डाला था, थोड़ा सा टमाटर के हिस्से का और डाल दें। 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। और इसी में हमें मसाला भूनना है अच्छे से। मसाला हमारा भून गया है और इसी में थोड़ी सी कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी डाल दें। अब ये मिश्रण को आप ठंडा होने दीजिए। इसको ठंडा करके हम ग्राइंड करेंगे। जब तक हमारा मिश्रण ये ठंडा हो रहा है,
हम कोफ्ते की तैयारी कर लेते हैं। कोफ्ते के लिए मैंने यहाँ दो छोटे आलू उबले लिए, जिनको मैश कर लिया है मैंने। दो आलू छोटे मीडियम साइज के, ये एक कप पनीर किसा हुआ है, इसमें मैं थोड़ा सा आलू में पनीर भी डालूंगी। तीन टीस्पून पनीर, बारीक कटी हरी मिर्च है, ये एक तीखी है इसे मैंने इसमें यहाँ पे एक डाली है। यदि आपकी मिर्च तीखी कम हो तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ 10 से 15 किशमिश और 4 काजू बारीक कटे हुए, ये भी डाल लें इसमें। थोड़ा सा मैं ये स्टफिंग के लिए बचा रही हूँ, इसमें ये थोड़ा सा मैंने आलू के मिश्रण में डाला है। 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और पिंच हल्दी। अब इसी सब सामग्री को हम अच्छे से मिलाना है। ये आलू का मिश्रण रेडी है। अब हमें इसकी स्टफिंग तैयार करना है। पनीर, तीन टेबल स्पून पनीर, काजू और किशमिश, काजू बारीक कटे हो, किशमिश आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। मलाई कोफ्ते की स्टफिंग में सबसे ज्यादा मिर्च का ही अच्छा फ्लेवर आता है, हरी मिर्च का। यहाँ मैंने एक हरी मिर्च ली है, इसको बारीक बारीक कट कर लें। और बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च, इन सबको अच्छे से मिला लें पहले। अब इसके बराबर पोर्शन कर लें छोटे छोटे आलू के। और इसके अंदर एक एक टेबल स्पून आप स्टफिंग भरते जाएं और इस तरह से प्रेस करके गोला, इस तरह से गोले तैयार कर लें। ये मैंने सारे मलाई कोफ्ते के कोफ्ते रेडी कर लिए हैं। अभी हमारी ये जो ग्रेवी का वो है मिश्रण, वो ठंडा हो चुका है। मिक्सी जार में ले लें इसको और इसमें से ये तेज पत्ता रिमूव कर दें। ये इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और डाल लिया ग्रेवी में पीसने के लिए। अब इसको पीस लें, अच्छा स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें। ये हमने पेस्ट बना लिया है इसका स्मूथ एकदम। इसे छानने की इसलिए जरूरत नहीं है कि हमने टमाटर के पहले छिलके हटा दिए थे,
तो हमें इसको छानने की जरूरत नहीं होगी, हमने छिलके रखे ही नहीं, तो आपका ये काम इजी हो जाता है इससे और कम भी हो जाता है। अभी ग्रेवी को पैन में डालना है। पॉट में बहुत थोड़ा सा पानी डालना है जिससे कि बची हुई ग्रेवी है ना वो हम इसमें यूज कर सकें। और ग्रेवी को थोड़ा सा खदकने दें क्योंकि हमारे वैसे प्याज और टमाटर तो पहले से पके हुए हैं, तो हमें ज्यादा ग्रेवी को नहीं पकाने की जरूरत पड़ेगी। ग्रेवी खदक गई है, अच्छे से पक गई यानी। अब इसमें 1 टेबल स्पून टमाटर सॉस है, 3 टीस्पून मलाई। यदि आप मलाई नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें, स्किप भी कर सकते हैं। इससे अच्छा है थोड़ी ग्रेवी स्मूथ हो जाती है। घर की मलाई ली है मैंने, यदि आप मलाई लेना ना चाहें तो इसकी जगह आप 1/4 कप दूध भी ले सकते हैं। ग्रेवी को पतली करनी हो तो आप दूध का भी यूज कर सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा आखिर में गरम मसाला, ये ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है। अब चलिए मलाई कोफ्ते की तैयारी करते हैं। मलाई कोफ्ते को हेल्दी कैसे बनाना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये तो आप साइड में रख दें इसको, ग्रेवी को। मलाई कोफ्ते के कोफ्ते हम अप्पे साचे में बनाएंगे। पहले इसको गरम कर लें अच्छे से। अब इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा 2-2 ड्रॉप ऑयल डाल दें इसमें। गैस को स्लो ही रखें और इसमें ये कोफ्ते डाल दें। आपके और जिस साइज का सांचा हो उसी साइज के आप ये कोफ्ते को रेडी कर लें। और इसके ऊपर थोड़ा सा और ऑयल डाल दें इस तरह से। और अच्छे से इसको इसमें पकने दें। अभी गैस स्लो में इसको आराम से पकने दें जब तक ये एक तरफ से ये ब्राउन ना हो जाए। अब हम इसको टर्न करेंगे। टर्न कर लीजिए इसको इस तरह से।
ये एक तरफ से अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, अब दूसरी साइड से और सेक लीजिए इसको। एक बार चेक कर लें कि ये दूसरी साइड से पके कि नहीं। पक चुके हैं, अब गैस ऑफ कर दें, कोफ्ते हमारे रेडी हैं। एक बार वापस से हम सर्व करने से पहले ग्रेवी को गर्म कर लें। ये मुझे यहाँ ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी लग रही है, मैं यहाँ पे दूध का इस्तेमाल करूंगी। और एक बार टेस्ट करके देख लेंगे नमक कम तो नहीं है, आप डाल सकते हैं उसमें अपने हिसाब से। इस सर्विंग प्लेट में आप कोफ्ता डालें, ऊपर से ग्रेवी, और बहुत थोड़ा सा इसमें ऊपर से पनीर किसा हुआ। और हरा धनिया। लीजिए हमारा ये हेल्दी मलाई कोफ्ता रेडी है। आप कभी भी इसे बनाइए खाइए, और इसमें टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता है कि कोफ्ता फ्राई करना ही जरूरी है। कोफ्ता वैसा ही टेस्टी लगता है ये। तो यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई करें, बनाएं और खाएं। थैंक यू।